एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज का ब्लॉग शुरुआत करूँ मैं मॉर्निंग से, और आप देख सकते हो मैं घूंघट करके यहाँ पे प्रवेश द्वार जो हमारा एंट्रेंस है वहाँ पर हम स्वस्तिक बनाते हैं, उसके बाद मैं अंदर पूजा करूँगी। जब तक मैं भगवान जी को बिठा कर आई हूँ, वस्त्र पहना कर, स्नान करवा कर और भोग की तैयारी करके आई हूँ, उसके बाद अंदर जाऊँगी और पूजा करूँगी और अपने जो भी एवरीडे के जो भी काम होते वही करूँगी। और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि मैम आप वही रूटीन बताते हो, कुछ चेंज लाइए ब्लॉग में। सो मेरे हिसाब से सभी हाउसवाइफ का रूटीन हर डे एक ही जैसा होता है, एवरीडे रूटीन सेम होता है। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। तो मेरा यही मानना है कि मैं जो भी आपको बता पाऊँ, जैसे कि रेसिपी है या मैं घर में कुछ अलग वर्क कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन बेसिकली वही रूटीन होता है। थोड़े बहुत चेंजेस हाँ मैं ला सकती हूँ और वो मैं लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े ड्राई करूँगी पूजा होने के बाद, और ठंड अब थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है तो स्वेटर मैंने नहीं पहना, क्योंकि सुबह सुबह ठंड तो लगती है लेकिन इतनी नहीं लगती कि आपको स्वेटर पहनना ही पड़े, लेकिन फिर भी ठंडक काफ़ी रहती है। और बस यहाँ पर पकने लगी है चाय, और मॉर्निंग रूटीन हो और चाय का सीन ना देखने को मिले तो व्लॉग कुछ अधूरा अधूरा लगता है। सो मेरी चाय पक चुकी है और अब मैं अपनी चाय स्टेन कर लूँगी। और हाँ, मुझे ना आजकल पता नहीं क्यों भूख नहीं लगती, जब तक मैं हल्दी वाला पानी लेने लगी हूँ अभी 4-5 दिन से, तो मुझे सुबह भूख ही नहीं लगती। यहाँ पर मैंने 4 बिस्किट और चाय ली है, उसके साथ कुछ भी नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं थी मेरी खाने की। और अभी मैं कर रही हूँ सब्जियाँ कट, लंच की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि आज मुझे बनाना है कद्दू की सब्ज़ी, पम्पकिन। और अब तो पम्पकिन का सीज़न आ गया है, बेसिकली श्रेय को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मीन वाइल श्रेय को पढ़ाती जा रही हूँ, क्योंकि उसके जो टेबल्स हैं, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको मैं लर्न करवाती रहती हूँ, स्पेलिंग्स वगैरह हो गए, तो बस मैं उनको डेली उसका टेबल जो है वो लेती हूँ मौखिक, उसके बाद स्पेलिंग वगैरह भी उसको लर्न करवाती रहती हूँ। यही थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। उसके बाद ये जो कद्दू की रेसिपी है ये इस व्लॉग में नहीं मिलेगी, बट हाँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे हाथों की कद्दू की सब्ज़ी पसंद आती है, तो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दूंगी। हे एवरीवन, और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा, मैं बनने वाली हूँ गंगूबाई और बन भी जाऊँगी आफ्टर मेकअप। तो यहाँ पर मैंने अभी कुछ हल्का हल्का आई मेकअप किया, अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया, तो चलो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। एंड मेरे पास वाइट साड़ी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास ये वाइट कुर्ती है, मैं दिखा दूँ आपको। ओके, सो मेरे पास ये वाली कुर्ती है, तो मैं इसी वाली कुर्ती पे जो है मैं शूट करने वाली हूँ वीडियो। तो चलो शूटिंग के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ, और बाल को पता नहीं कैसे कर्ल करना है। मेरे पास जो भी मशीन होगी उससे मैं देखती हूँ, अगर यहाँ यहाँ इतने में कर्ल आते हैं तो चलो मैं पहले मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बालों का देखती हूँ, सोचती हूँ। तो आईब्रो भी थोड़ी सी मोटी मोटी और बड़ी सी बिंदी, चलो ये सब करते हैं, आइए। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. तो मैं होने लगी हूँ रेडी गंगूबाई एक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले ली है बिंदी, और ये बिंदी मेरे पास पड़ी थी बहुत दिनों से लेकिन आज काम आई। और ये जो नोज़ रिंग है, बहुत दिक्कत हुई थी पहनने में, क्योंकि ये जो मैंने पुरानी वाली पहनी थी वो निकल ही नहीं रही थी, पता नहीं दोनों साइड से बंद वाली है तो वो निकल ही नहीं रही थी बिल्कुल। और वैसे गंगूबाई ने थोड़ी सी न्यूड लिपस्टिक लगाई थी, बट मुझे ना वो अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे ऊपर वो सूट नहीं कर रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी डार्क रेड लिपस्टिक लगाई है और बिल्कुल बिल्कुल हल्का हल्का मेकअप किया। आप देख सकते हो आंखों में भी बहुत कम कम मैं मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैंने मेकअप किया है, थोड़ा सा नेचुरल लुक आना चाहिए बाहर। और ये चोटी मेरे पास पड़ी है बचपन से, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे गरबा खेलने के लिए जाते थे गुजरात में, वडोदरा में, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते थे, तो काफ़ी सालों से पड़ी हुई थी। आई थिंक
8-9 साल हो गए इसको, तो मैंने आज यूज़ की है और फाइनली आज यूज़ हो गया उसका। और यहाँ पर उनके जो बाल हैं ना वो ऊपर के कर्ली हैं आलिया भट्ट के, तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से पूरे बाल अगर कर्ल करने जाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने क्या करा आगे आगे के कर दिए ताकि थोड़ा थोड़ा लुक आए और लगूँ कि मैं गंगूबाई हूँ। क्योंकि मुझे ना ये मैं प्रिपरेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे रील्स शूट करना था इंस्टाग्राम के लिए। तो अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स नहीं हो तो प्लीज़ फटाफट से मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं बहुत अच्छे अच्छे रील्स वीडियो बनाती हूँ। सो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, आप फॉलो कर लीजिएगा। और ये देखिए कर्ल हो गए, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बस मैं दोनों साइड इसी तरीके से कर्ल कर लूँगी और रेडी हो जाऊँगी। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और ये चोटी बार बार पीछे जा रही थी क्योंकि हैवी है इस वजह से, और बार बार निकल जाती है तो मैं बार बार टक करना पड़ता है मुझे। और कानों में मैं कुछ इस तरीके से इयररिंग्स पहने मैंने, और पीछे से मेरे बाल बहुत बेकार लग रहे हैं, प्लीज़ मत देखिएगा, क्योंकि मैंने बन बना के बस ऐसे ही टक कर दिया यू पिन से चोटी। और उनके गालों पे इस तरीके से प्लस का सिंबल था, सो मैंने पूरी कोशिश करी है कि उनका जो लुक है आलिया भट्ट का वो मैं क्रिएट कर सकूं और आप लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकूं। और यहाँ पर ये जो सिंबल है ना, ये उन्होंने एक्चुअली आईलाइनर से किया हुआ था, बट मेरे पास मैंने ट्राई किया नहीं हो पाया, सो मैंने इस तरीके से किया। और उसके बाद उनका एक दांत है ना जो सिल्वर था, तो मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल लेके कोशिश की कि चलो इसको जैसे तैसे करके लगाऊं, बट नहीं हो पाया। मैं कुछ भी बोलती थी बार बार निकल आता था, लेकिन फिर भी जितना हो सका मुझसे ये वाला लुक जो है मैंने क्रिएट किया। आप लोग इन्जॉय कीजिए इसे। अभी बजे हैं दोपहर के 2, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, तो अब मैं अपना मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ। और व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, थक भी गई हूँ मैं, तो बस मैं व्लॉग को यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगी बिकॉज़ अब बहुत ज़्यादा मेकअप करने के चक्कर में, और ये जस्ट 30 सेकेंड के वीडियो के चक्कर में इतना सारा टीम जाम करना पड़ा है। तो 2 घंटे हो गए मुझे ये पूरा वीडियो शूट करते करते। अगर आप लोगों को मेरा गंगूबाई जो रील्स मैंने बनाई हैं, गंगूबाई वीडियोस देखने हैं, तो प्लीज़ फटाफट से जाइएगा इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए ऐसे ही न्यू और अच्छे वीडियोस, अच्छी रील्स देखने के लिए। और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ, बाय।